गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम लोग ज्यामिति शुरू करने जा रहे हैं। तुम लोग इसके पहले ज्यामिति के बारे में पढ़ चुकी है, रेखा के बारे में, बिंदु के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ चुकी है। फिर से ज्यामिति के बारे में हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे। ज्यामिति का अर्थ होता है जियो। जियो मतलब होता है पृथ्वी, और मैत्री मतलब माप, पृथ्वी की माप। ईसा पूर्व मिस्र में ज्यामिति का अच्छा विकास हुआ, जिसमें थेल्स, पाइथागोरस, यूक्लिड का योगदान अच्छा रहा। यूक्लिड ने एलिमेंट्स नामक पुस्तक की रचना की, जिसके आधार पर वर्तमान में तलीय ज्यामिति का विकास हुआ। तलीय ज्यामिति का अर्थ होता है कि एक समतल में जो ज्यामिति होती है। यूक्लिड, इसीलिए इस ज्यामिति को कहा जाता है यूक्लिड की ज्यामिति। यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी, जैसे बिंदु। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। इसी तरह से रेखा, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है। रेखा क्या है? चौड़ाई रहित लंबाई है, जिसमें चौड़ाई नहीं केवल लंबाई है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, मतलब कोई रेखा है उसके दोनों छोरों पर एक एक बिंदु होता है। कम से कम किसी रेखा में दो बिंदु होना आवश्यक है। एक सीधी रेखा चौथा है। एक सीधी रेखा स्वयं पर बिंदुओं को सपाट रूप से स्थित है। एक सीधी रेखा क्या है कि बिंदुओं पर को सपाट रूप से स्थित है, और पृष्ठ है, पृष्ठ जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ मतलब सतह जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे होते हैं, पृष्ठ चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, इसका किनारा होता है। कुछ परिकल्पना ऐसी होती है जो स्वयं सिद्ध होती है। परिकल्पना का अर्थ हुआ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो स्वयं सिद्ध होती है, और स्वयं सिद्ध दो प्रकार की होती है। स्वयं सिद्ध मतलब जिसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं सिद्ध दो प्रकार की होती है, अभिगृहित और अभिधारणा। अभिगृहित वह है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है, उसको हम मान लेते हैं। तो अभिगृहित, यूक्लिड के अनुसार अभिगृहित, अभिगृहित ज्यामिति के अतिरिक्त अन्य गणितीय शाखाओं में भी उपयोग होता है। ये अभिगृहित निम्नलिखित है, जैसे पहला है वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, परस्पर बराबर होती है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, परस्पर, जैसे ए बराबर बी के है और ए बराबर सी के है। ए के बराबर बी है और ए के बराबर सी है, तो बी बराबर सी की होगी। बी और सी दोनों बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसी तरह से यदि बराबर में बराबर जोड़ा जाए, तो बराबर प्राप्त होता है। यदि ए बराबर बी के हो और दोनों तरफ इसमें सी जोड़ा जाए, तो ए प्लस सी और बी प्लस सी भी क्या होगा? बराबर होगा। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई चीज़ समूचा होता है पूरा, वह उसका छोटा जो भाग उसको हम काटेंगे या दो भाग में करेंगे तो वह प्रत्येक भाग से बड़ा होता है। जैसे ए का दो भाग बी और सी है, तो ए बी से भी बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा। ये तीसरा अभिगृहित है। इसी तरह से यूक्लिड ने निम्नलिखित पांच अवधारणाएं हैं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, अवधारणा मतलब उसको भी मान लिया गया है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा है एक शांत रेखा वह है जो अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए। एक रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए तो उसको हम शांत रेखा कहेंगे। और तीसरा है किसी बिंदु को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होता है। जितना भी समकोण बनाया जाए वह भुजाओं पर निर्भर नहीं करता है,
वो सबका मान बराबर होता है और एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। चौथा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोण से कम होता है। जैसे ये दो रेखा है, इसमें इधर का जो मान है ये दोनों कोणों का जोड़ दो समकोण से कम है, तो इसको जब हम बढ़ाएंगे तो इस साइड में पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो पी पर ये दोनों मिलेगी, लेकिन इस साइड में हम बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। जिधर दो समकोण से कम होता है, मतलब 180 डिग्री से कोणों का जोड़ कम है, उसी तरफ ये दोनों रेखाएं मिलती है। जैसे ये दो रेखा है और इसको इस तरह इस साइड में बढ़ाया गया, इस दोनों का जोड़ दो समकोण मतलब 180 डिग्री से कम है और इस साइड में जब बढ़ाए तो पी पर मिलती है, तो इसी साइड में ये बढ़ाने पर मिलेगी, इस साइड में बढ़ाने पर ये कहीं नहीं मिलेगी। ये यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय है, इसमें कुछ अवधारणा है, इसको नोट कर लेना, कल आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।